डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कोर्स में हम स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन को स्टडी कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन की एप्लीकेशन किस किस्म की है, कौन सी सिचुएशन में हमें स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन को चूज़ करना चाहिए। तो मॉड्यूल का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन। सबसे पहले स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं। स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइंस आर इकोनॉमिकल नियर सैचुरेटेड डिज़ाइंस कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन ऑन द सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन। फैक्टोरियल पोर्शन ऑफ स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन यूजली कंटेन्स रेजोल्यूशन 3 फ्रैक्शन इन प्लेस ऑफ रेजोल्यूशन 5 एज वॉज इन केस ऑफ सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन। तो स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन में हम जानते हैं कि रेजोल्यूशन 3 की बजाय हम रेजोल्यूशन 5 की बजाय रेजोल्यूशन 3 कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स के अगेंस्ट मॉडल के पैरामीटर्स लिखे हैं और जो स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन में नंबर ऑफ़ डिज़ाइन पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो लिखे हैं। तो फॉर टू फैक्टर्स मॉडल टर्म्स आर 6 जबकि डिज़ाइन पॉइंट्स इन स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन आर आल्सो 6। तो टू फैक्टर्स के लिए जो स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन है दैट इज़ फुली सैचुरेटेड डिज़ाइन, तो हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल नहीं होगी फॉर कंप्यूटिंग द लैक ऑफ हिट आर प्योर एरर। सिमिलरली फॉर 3 फैक्टर्स मॉडल कंटेन्स 10 पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड एंड स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन कैन आल्सो कंटेन 10 डिज़ाइन पॉइंट्स। तो यहाँ पे भी अगर हम रेप्लिकेशन नहीं लेते सेंटर पे तो हम फिर कोई भी एरर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और अगर 4 फैक्टर का हम स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो दैट कंटेन्स 16 रन्स जबकि 4 फैक्टर का पॉलिनोमियल मॉडल जो है दैट कंटेन्स 15 पैरामीटर्स। तो यहाँ पे 1 डिग्री फ्रीडम एक्स्ट्रा हमारे पास अवेलेबल है दैट कैन बी यूटिलाइज टू एस्टिमेट एरर। और 5 फैक्टर्स के लिए हमारे पास जो मॉडल पैरामीटर्स हैं वो 21 हैं जबकि डिज़ाइन पॉइंट्स इन द स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन आर 26। तो यहाँ पे हम बेनिफिट ले सकते हैं फ्रॉम प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा डिग्री फ्रीडम अवेलेबल होगी दैट कैन बी यूटिलाइज टू एस्टिमेट एरर। 6 फैक्टर के लिए अगेन मॉडल पैरामीटर्स आर 28 वेयर एज नंबर ऑफ डिज़ाइन पॉइंट्स इन द स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन आर आल्सो 28। तो अगेन यहाँ पे सैचुरेटेड डिज़ाइन है हमारे पास अवेलेबल, तो इस सिचुएशन में हम एरर को एस्टिमेट नहीं कर सकते अगर हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर 6 फैक्टर्स। तो इसी तरह हम बाकी नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के लिए भी देख सकते हैं कि कुछ सिचुएशंस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम 9 फैक्टर्स के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये काफ़ी लार्ज डिज़ाइन है। सिमिलरली 7 फैक्टर्स के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये भी काफ़ी लार्ज डिज़ाइन है। यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है लैक ऑफ हिट को एस्टिमेट करने के लिए, लेकिन कुछ नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के लिए फुली सैचुरेटेड डिज़ाइंस हैं। इम्पॉर्टेंट अबाउट स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन, दो ऑल सेकेंड ऑर्डर मॉडल टर्म्स आर एस्टिमेबल थ्रू स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन, डिज़ाइन कंसिडरेबली सफर्स इन एफिशेंसी फॉर एस्टिमेशन ऑफ लीनियर टर्म्स। तो लीनियर टर्म्स को एस्टिमेट हम कर तो पाते हैं लेकिन इसकी एफिशेंसी का लेवल उतना नहीं है जितना सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन में है, तो यहाँ पर हमें कुछ एफिशेंसी लूज करनी पड़ती है। स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन कैन नॉट बी एन आल्टरनेट टू ए स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन अनलेस रन इकोनॉमी इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द एक्सपेरिमेंटर। तो स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन हम सिर्फ उसी सूरत में चूज़ करते हैं अगर हमें स्मॉल डिज़ाइन चाहिए। अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम ऑलवेज प्रेफर करेंगे सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन को ओवर द स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन। मोस्ट अट्रैक्टिव वर्चू ऑफ स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन इज प्रॉबेबली इट्स यूज़ इन सिक्वेंशियल एक्सपेरिमेंटेशन। सिक्वेंशियल एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है कि हम सिक्वेंशली बिल्ड करते हैं एक्सपेरिमेंट को और जो पास्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये एक एडवांटेज है कि हम एक स्मॉल डिज़ाइन को यूज़ करते हुए उसको सिक्वेंशियली डेवलप करें। RSM नियरली ऑलवेज इन्वॉल्व्स आइटरेटिव डिसीजन मेकिंग। अ फर्स्ट स्टेज एक्सपेरिमेंट विद एन स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन मे सजेस्ट दैट करंट एक्सपेरिमेंटेशन इज नियर द ऑप्टिमम एंड देर आर नो रिच कंडीशंस। तो हमारे लिए ये एक एडवांटेज हो सकता है कि अगर हम अर्ली स्टेज पे स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन को यूज़ करें और इसकी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करें फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन, और मोस्ट प्रॉबली अगर उस स्टेज पे हम नियर द ऑप्टिमम हैं
तो हम एज़ कम्पेयर टू टू लेवल डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन अटेन कर सकते हैं। तो इस तरह इस मॉड्यूल में हमने देखा कि हम किस तरह स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन को यूज़फुली अप्लाई कर सकते हैं और किन सिचुएशन में हम प्रेफर करेंगे सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन को ओवर द स्मॉल कंपोजिट डिज़ाइन।